Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Kaurabhakta Vrinda Hey! Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna. तो ये काल आज और फिर आगामी काल तीन दिन का ये सेमिनार था क्या वैष्णव अपराध भक्ति में ये बहुत बड़े बाधक है कौन सा वैष्णव अपराध चैतन्य महाप्रभु कहे कि काल जैसे हम पढ़ते थे कुरांग महाप्रभु क्या कहे यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता हमें कई प्रयत्न के माध्यम से भक्ति में गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से प्रवेश करते हैं भक्ति में लेकिन यदि बड़े सावधानी से श्रवण कीर्तन जल सेचन करके ही भक्तिलता को उगाते हैं भक्तिलता आगे बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण कमल तक भी पहुंच जाता है लेकिन यदि किसी ना किसी कारण से पागल हाथी भक्ति के बगीचे के अंदर घुस जाता है तो भक्ति का बगीचा को पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये पागल हाथी के समान है कौन सा वैष्णव अपराध जैसे ही कोई माली बहुत प्रयत्न करके एक एक बगीचा बनाता है फूल और फल के फूल फल के बागान बनाता है लेकिन कई सालों के प्रयास से परिश्रम से वो बागान तैयार करता है लेकिन यदि किसी कारण से उस बगीचा के अंदर कौन घुस जाता है पागल हाथी घुस जाता है तो इसके कई सालों के प्रयास को कुछ मिनट में ही समाप्त कर देता है कुछ खाता है कुछ उखाड़ी फेंकता है पैर में कुचल देता है पूरे फूल फल का बागान को कुछ ही क्षण में समाप्त कर देता है नष्ट भ्रष्ट कर देता है उसी प्रकार हम कितनी सावधानी से भक्ति करते रहते हैं प्रत्येक दिन मंगला आरती आते हैं प्रत्येक दिन माला लेकर जपा करते हैं भागवत कक्षा में बैठकर श्रवण करते हैं कई प्रकार के कार्य माने भक्ति के साधनों के माध्यम से हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन यदि किसी ना किसी कारण से हमसे किसी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाता है तो ये भक्ति लता ने संपूर्ण रूप में उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता वैष्णव अपराध इतनी जघन्य होता है कि भक्ति लता को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है जड़ से उखाड़ जाएगा अपने आप इसके टहनियाँ पत्ता डाल सब सूख जाते हैं इसलिए बहुत घातक है वैष्णव काल इसके बारे में चर्चा की गई थी पूरा क्लास में आज हम विशेष रूप में चर्चा करेंगे जिन छह क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव अपराध होता है बोर्ड में लिख रहे हैं लेकिन छह क्रिया इसको भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने माधुर्य कादंबिनी पुस्तक में कि छह प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं कैसे वैष्णव अपराध होता है यदि छह किसी न किसी उपाय से वैष्णव की काल जैसे हम कहते कि तीन उपाय है शरीर से मन से और वाणी से वैष्णव के चरण में अपराध होता है लेकिन किसी से भी होता है शरीर से मन से वाणी से तो हमें उसका प्रतिकार अवश्य कर लेना चाहिए उसी वैष्णव के चरण से जाकर क्षमा मांग लेना चाहिए लेकिन इसको आगे विस्तार करते हुए वैष्णव चक्र ठाकुर कहते कि हंती निंदंती वैद्वेष्टि वैष्णवानां न अभिनंदति क्रुध्यन्ति जान्ति न हर्षम
दर्शने पतना निषद, छह प्रकार की क्रियाओं से वैष्णव अपराध होता है। सबसे पहले कहते हंती, आप लोग द्वारा ये हंती, निंदंती, वै वैष्णवानां, न अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतना निषद। हंती का अर्थ किसको जान से मारने के, मार डालने से, मारने के लिए प्रयास करने से। सबसे जो हम वैष्णव का अपराध कैसे करते हैं ना, यदि किसी वैष्णव को ऐसे स्थिति आ जाता है कि हम इसको जान से मार डालना चाहते, मारने के लिए प्रयास भी कर लेते हैं, ऐसा कहाँ पर उदाहरण देखा जाता है? कोई उदाहरण है ऐसा कोई, किसी वैष्णव को जान से मारने के लिए, जान से मार डालता है, मारने के लिए प्रयास करता है कौन? हैं, हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, लेकिन सभी लोग को हरिदास ठाकुर नहीं कहते। ऐसे ही भागवत में कोई उदाहरण दो जिसको सब लोग जानते हैं, प्रहलाद को भी जान से मारने के लिए कौन प्रयास किया? हिरण्यकशिपु। ये जनरल एग्जाम्पल सब लोग समझ सकते हैं। हमें हिरण्यकशिपु वैष्णव अपराधी बना, किसकी चरण में अपराध किया? प्रहलाद के चरण में, जान से मारने के लिए प्रयास किया। हैं, क्या क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु, उनको जहर पिलाया, पागल हाथी के सामने फेंका, हिंसा जंतु के बीच में फेंक दिया, हैं पहाड़ में उचढ़कर पहाड़ की चींटी से समुद्र में फेंका, अस्त्र शस्त्र में सभी माने उनके जितने से सेना वाहिनी थे, सेना वाहिनी के माध्यम से इसको बंद करना चाहा, कितनी प्रकार के आक्रमण करके ही, प्रयास करके भी वो सफल नहीं हुआ। ये वैष्णव अपराधी के कारण वो स्वयं मरा। प्रहलाद को इतने सताने के कारण स्वयं भगवान प्रकट होकर कोई विदारण कर दिए, किसको? हिरण्यकशिपु। दूसरे उदाहरण कहते हैं कि अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज को भी जान से मारने के प्रयास किया था कौन? दुर्वासा मुनि। एकादशी की व्रत दुर्वासा ने, अम्बरीश महाराज ने एक साल तक एकादशी व्रत धारण करके रखे थे, पूरे निर्जल व्रत। तो भाई बाद में तो जो भी व्रत को तोड़ना चाहते थे द्वादशी के दिन, दुर्वासा को उन्होंने निमंत्रण भी नहीं दिया था, अन्य सब मुनि ऋषि लोग आए थे, उनको निमंत्रण थे, सब आए थे, उनको सब भोजन करा के सबको प्रसन्न करके, महाराज अम्बरीश जो फास्टिंग तोड़ने के लिए, व्रत तोड़ने के लिए जा रहे थे, तुरंत वो कहाँ से पहुँच गए? कौन? अम्बरीश ने, सॉरी दुर्वासा पहुँच गए। दुर्वासा को देख कर राजा अम्बरीश ने कहे कि हे महान ऋषि, कृपा करके आप भोजन हमारे घर में, आज द्वादशी व्रत है, मैं व्रत तोड़ने का पहले अवश्य आपको मैं भोजन अर्पण करूंगा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके भोजन कर लीजिए। दुर्वासा ने क्या कहा? अच्छे बात है, लेकिन मैं जाता हूँ थोड़ा जमुना में स्नान कर, क्योंकि अम्बरीश महाराज की राजधानी मथुरा था, और जमुना मथुरा की मथुरा में बहती हैं। दुर्वासा कहा कि मैं जमुना में स्नान करके आता हूँ, तुम रेडी करके रखो प्रसाद। लेकिन उन्होंने जमुना जल में जो उतार गए, उतार कर जोगी तो थे, इसलिए पानी के नीचे बैठ गए समाधि में। लेकिन अंतकरण में उन्होंने देखते थे कि राजा क्या कर रहा है, राजा की भक्ति को तो परीक्षा करना चाहते थे, जोगी थे। लेकिन महाराज अम्बरीश जब देखे कि एकादशी पारण के समय बीत जा रहा है और दो तीन मिनट बचा है, तो उन्होंने फिर अन्य मुनि ऋषियों से सलाह लेकर भगवान के चरणामृत ले लिए थे, कुछ खाना नहीं खाए। क्या खाए थे? क्योंकि शास्त्र कहता कि चरणामृत लेना बा महाजल पीना फास्टिंग तोड़ता भी है, नहीं भी तोड़ता है, है? इसके माध्यम फास्ट व्रत तोड़ भी जाता है, नहीं भी तोड़ता है। पानी थोड़ा सा महाजल ले लिए और थोड़ा सा चरणामृत ले लिए बस। लेकिन वो तो जोगी था, अंतकरण में बैठा था, पानी के नीचे डूब के उसको पता लग गया कि अम्बरीश ने क्या कर रहा है, चरणामृत पी लिया है, ये महाजल पी लिया मेरे को बिना अनुमति लेकर। क्रोधित होकर वहीं से पानी से उतर कर निकल के बड़ा क्रोधित क्रोध मूर्ति में प्रकट हुआ, आकर कह कि अरे देखो आए तू, देखो वैष्णव है, मुझे निमंत्रण देता कहाँ की वैष्णव है तू,
मुझे भोजन न कर न करा कर तू खा लिया। अरे क्या खा लिया भाई, थोड़ा सा चरणा में व्रत तोड़ने के लिए मुख में अन्य ऋषियों से सलाह लेकर वो थोड़ा सा चरणा में मुख में डाला है, थोड़ा बा महाराज जल थोड़ा पी लिया, तो उसमें कौन सा ज़्यादा दोष हो गया। लेकिन एक है तुझे दिखाता हूँ अभी है, तो जानता नहीं मेरी प्रभाव को है। उनके बड़ा अहंकार था किसकी, दुर्वासा मुनि का, अपने योग शक्ति तपस्या की पर घमंड था। इसलिए उनके बहुत विशाल जटा था, जटा को ऐसे ही जटा से कुछ अंश को ऐसे ही ऐसे पटक लिया, जनता जटा जो छिल गए, सो बाल को ऐसे जो हाथ में जो बाल आया उसको जमीन में पटक दिया, उससे एक विशाल काय राक्षस का उत्पन्न हो गया। राक्षस ने कहा किसे, किसी ने मुझे उत्पन्न किया, बोला कि इसको मार डाल, किसको, अम्बरीश को। ये घमंडी राजा ये जानता नहीं है जोगी, महान जोगी तपस्वी दुर्वासा का प्रभाव। ये राक्षस जब बढ़ने लगा किसकी तरफ, अम्बरीश महाराज को आक्रमण करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। अम्बरीश महाराज तो भी राजा थे, पूरा विश्व के सम्राट थे, उनके पास में भी बहुत बड़ा मिलिट्री फोर्स था। उन्होंने चाहते थे सारे अपने सैनिकों को आदेश देते थे किसको अरेस्ट करो, किसको राक्षस घिर जाओ, सारे आ जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इन महान भक्त थे, इसलिए भगवान विष्णु के प्रति उनका पूर्ण भरोसा था। इन्होंने हाथ जोड़ करके बोला भगवान को स्मरण करने लगे, आंख से उनकी भगवान की चिंतन करते ही अश्रु की धारा प्रेमाश्रु बहने लगा। जब दुर्वासा की स्थिति इसी प्रकार हो गया, राक्षस उनकी तरफ उनको मैंने बद्ध करने के लिए भाग रहा था, तुरंत कौन आया, भगवान की दिव्य अस्त्र सुदर्शन आकाश से प्रकट हुआ। पहले भगवान ने चक्र दे रखे थे सुदर्शन इनको रक्षा के लिए, महाराज अम्बरीश की भक्ति में प्रसन्न होकर सुदर्शन आकर तुरंत ही वो राक्षस को मार डाला, इसके गला काट दिया, शरीर को सिर से अलग कर दिया। राक्षस को वध करके फिर कहा किसकी तरफ देखने लगा, सुदर्शन फिर दुर्वासा के पीछे करने लगा। दुर्वासा को बड़े घमंड, जहाँ तक किसी को भी अभिशाप दे देता था बहुत, दुर्वासा का नाम सुनने से ही लोग कंपते थे, लेकिन आज सुदर्शन के साथ उनकी घमंड नहीं चलता, सुदर्शन पीछे करने लगा। हाँ, कोटि सूर्य समा प्रभाव, सूर्य जो सुदर्शन चक्र का उत्ताप कितनी जो कितनी जो होता है, करोड़ों सूर्य को इकाठी करने से उसकी उत्ताप जितनी होता है उससे भी ज़्यादा उत्ताप प्रदान करने वाला, एक सेकंड में जला का जला कर किसी को विराख कर सकता है। अब जब दुर्वासा के पीछे सुदर्शन करने लगा वो समझ गया हमें मुझे जला के राख कर देगा ये, हैं भागने लगे। लेकिन दुर्वासा ने कितनी स्थान पर गए, वह इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र तुझे रक्षा नहीं करेगा क्योंकि ये विष्णु का सुदर्शन है, मेरा वज्र कुछ नहीं कर सकता है। तभी वो गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहे कि मेरा भी ब्रह्मदंड यहाँ कुछ कार्य नहीं करेगा, सुदर्शन के सामने मेरे अरे ये क्या लिखे थे, कौन सा बला इनको लिखने के लिए है, मैं कौन सा बला लिखने के लिए लिखना है, कौन सा लिखा है, मैं आपको बोला कौन सा लिखाने के लिए तुम लिखा है कौन सा है, हंती निंदंती वही द्वेष्टि हाँ ये इधर क्या लिखा है, मैं लास्ट श्लोक बोला है तीनों यहाँ रखा, देखा क्या रखा, क्या रखा, हाँ हंती निंदंती वही, वो कहा कौन सा लिखा है, क्या गलत लिखा है, ठीक है बोलो बैठो, हरे कृष्ण। तो इसलिए दुर्वासा ने आगे भागते भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहे कि ब्रह्मदंड तुझे रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि सुदर्शन है, तू वैष्णव अपराधी है, यहाँ से भाग जा नहीं तो सुदर्शन मेरा भी सर्वनाश करेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने भागा दिया, बल्कि जाओ शंकर जी के पास। वैष्णव महाराज यथाशंभु कैलाश में पहुँच गए, शंकर जी ने भी कहे कि देखो है दुर्वासा यह नहीं चलेगा, मेरा त्रिशूल पशु मेरे पाशुपत अस्त्र व मेरा त्रिशूल कुछ नहीं कर पाएगा, ये सुदर्शन है और तुम महान वैष्णव के चरण में अपराधी हो, मैं तुझे संरक्षण नहीं दे सकता, जिसका अस्त्र तुम्हारे पीछे कर रहा है उसी के पास में जाओ, कहाँ नारायण के पास। दुर्वासा इतनी बड़े महान तपस्वी जोगी थे कि इसी शरीर में उन्होंने कहाँ तक चले गए,
वैकुंठ तक, क्षीरसागर में भगवान विष्णु शयन किए थे, वहाँ तक पहुँच गए। तो उनको भगवान भी कहे कि हे ब्राह्मण, यद्यो मुझे कहते कि ब्राह्मण और वैष्णव में सदा रक्षा करता हूँ, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, हाँ वो ब्राह्मण के हित के, लेकिन तुम वैष्णव अपराधी होने के कारण अभी मैं तुझे संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, तेरी रक्षा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तू मेरी चरण में अपराध होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ। हाँ बड़ो प्रसिद्ध श्लोक भागवत के उस समय कहे भगवान नारायण ने स्वयं कहे, साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदये तु अहं मत अन्यति न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। हैं कहे कि हे दुर्वासा, जो मेरे भक्त है, संत पुरुष होता है, साधु होता है, वो सदा मेरे हृदय में निवास करता है, और संत पुरुषों के हृदय में, साधु के हृदय में मैं भी स्वयं सदा निवास करता हूँ। मैं मेरे भक्त की अला दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ, भक्त वत्सल के रूप में जाना जाता हूँ। हाँ जैसे नवजात शिशु को गाय रक्षा करती है अपने बछड़े को, इसी प्रकार भगवान कहते कि मेरे भक्तों को मैं सदा रक्षा करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अला और कुछ नहीं जानता, मैं भक्त की अला दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए तू मेरी चरण में अपराध करता मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ। लेकिन तेरे अपराध किसके चरण में है? वैष्णव के चरण में, मेरे महान भक्त अम्बरीश के चरण में, इसलिए तुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ? अम्बरीश के चरण में। वही यदि क्षमा करेगा तो अभी तुझे सुदर्शन छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये भी अम्बरीश उदाहरण, अम्बरीश का महाराज का और दुर्वासा के उदाहरण। दुर्वासा इनको भी जान से मारना चाहता था, किसको? अम्बरीश को। लेकिन आके फिर वही अम्बरीश के चरण में गिरना पड़ा, माफी मांगने से सुदर्शन को क्षमा किया। इसलिए पहले जो उपाय से हमें अपराध करते हैं किसी वैष्णव को प्रति ईर्ष्या को, इनको जान से मारने के लिए प्रयास करने से हैं, इनको वध करने बाद जान से मारने के प्रयास करने से हैं, आप कोई वैष्णव ऐसा कैसे कर सकते हैं? महान वैष्णव है, नवदा भक्ति में अक्रूर जी के नाम आता है, किसमें? कौन सा अंग के आचार्य अक्रूर जी? अक्रूर जी नवदा भक्ति में कौन सा अंग, कौन सा है? वंदनम। जानता नहीं उसको? नहीं जानते बोलो, मजा आता नहीं। वंदन के आचार्य है अक्रूर जी। लेकिन जो शक्राजित के पास में क्या था? स्यमंतक मणि था। हैं वो धन को उनसे लूटना चाहते थे भगवान। उस समय कृष्ण बलराम दोनों आए थे, कहाँ? हस्तिनापुर में आए थे, और उनकी अनुपस्थिति में ये तीनों प्लान किया, इसे छीन लेना है, स्यमंतक मणि इससे ले लेगा। क्योंकि एक दिन में उस स्यमंतक मणि जहाँ रहता था हैं, लगभग कितने सोना दे, मैंने अढ़ाई महन है लगभग, और आए अढ़ाई अढ़ाई महन सोना, मैंने लगभग एक क्विंटल के आसपास है सोना, सोना वो हैं उत्पन्न करके देता था हर दिन। हैं आपके पास यदि आपको पता लगेगा इसे है तो आप क्या करोगे? डेली एक क्विंटल सोना मिलेगा हैं। तो इसलिए ये देखो इतनी महान भक्त है अक्रूर जी, अक्रूर और सत्यधन्वा और कृतवर्मा जादवों के सेनापति, तीनों प्लान बनाया कैसे इसे छीन लेगा, क्या ले लेगा। तो उसके घर में सत्यधन्वा को भेजे, तीनों प्लान बनाया लेकिन सत्यधन्वा गया, उसको मर्डर कर दिया। किसको? शक्राजित को मर्डर कर दिया। मर्डर करके ये स्यमंतक मणि को लेकर भागा, लाके अक्रूर को दिया। अक्रूर स्यमंतक मणि को लेकर द्वारका छोड़ के बनारस चले गए, देखिए हाँ कृष्ण आएंगे फिर छीन लेंगे, हैं वहाँ भाग गए। देखा तो कैसे धन का लोभ होता है। तो इसलिए सत्यधन्वा को ने, सत्यधन्वा ने मारा किसको? शक्राजित को। वैष्णव थे, सत्यभामा के पिताजी थे, तो इसलिए भगवान ने आकर उसको मार डाले। किसको? किसको मार डाले? सत्यधन्वा को। हैं तो इसलिए जानना चाहिए कि वैष्णव लोग कभी कभी ऐसा ही भी कर सकते हैं, यानी कि अनुमति ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है कभी विशेष स्थिति में। लेकिन ऐसे यदि हम वैष्णव के चरण में अपराध करने की, ये एक मार्ग एक उपाय है हंती। दूसरा कहते हैं कैसे हम वैष्णव अपराध करते हैं? निंदंती। हंती इसके बाद निंदंती, निंदंती का अर्थ
निंदा करना है, किसी वैष्णव का निंदा करना, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ये बना हुआ है पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी। दूसरे का सुख देखने से हम दुखी हो जाते हैं, दूसरे का दुख देखने से हम सुखी होते हैं, ये हमारा स्वभाव बना हुआ है। हैं, बद्ध जीवन के बद्ध अवस्था में प्रत्येक हमारा स्वभाव ऐसे बना हुआ है। हैं, हमें चाहे हमारे पास में थोड़ा पैसा है, हमारे जितनी डेली दाल रोटी सब सब्जी खा के आराम से जी सकते हैं, लेकिन दूसरों के पास में कोई ये चीज़ है इसलिए उसको देख कर हमें ईर्ष्या बन जाते हैं, है ना। कोई पड़ोसी, दोनों पड़ोसी बाजू बाजू में रहते हैं, एक पड़ोसी का घर में दोनों पहले कुछ नहीं था, दोनों के पास में स्कूटर में चलता था, लेकिन बाजू वाला खरीद लिया कार, तो फिर इसका पत्नी उसको देखा, देखो उसके पास कार है, हमारे पास भी कार, हमारा कार नहीं है, यही सोचते सोचते वो दुखी हो जाता है। हैं, दुख होने का कोई कारण नहीं, लेकिन ईर्ष्या हमें दूसरों के प्रति, दूसरे का दुख देख कर हम न दूसरे के सुख देख कर हमको सहन नहीं होता, इसलिए हम दुखी बनते हैं। हैं, एक व्यक्ति ने बनारस के था वाराणसी में बहुत तपस्या किया विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी को तपस्या करके विश्वनाथ जी ने प्रसन्न होकर वरदान, बोले क्या क्या चाहते हो, तो कहे कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अमीर बनना है, मिलियनेयर बनना है, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, धन चाहिए, बहुत कुछ कहा। शंकर जी ने कहे कि देखो मैं तो तेरे कपाल रेखा देख रहा हूँ, तेरे जन्म तेरे पास में कुछ लेखा नहीं है, तेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में मैं दूंगा। क्या कंडीशन? जो तुमको मिलेगा इसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। हाँ, तो बोला ये कैसा होगा, मैं तपस्या करेगा और मिलेगा उसको? बोले तो और अल्टरनेटिव है नहीं, तुमको जो मिलेगा दोगुना उसको मिलेगा। लेकिन बोले कि ठीक है तो चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे जो घटेगा उसका भी दोगुना घट जाएगा। तो बोला ठीक है, अभी सही है, ठीक है तथास्तु करो। शंकर जी ने तथास्तु कर दिया, अपने जमीन में आके देखा कि खड़ा हो गया, बोला कि मेरे जमीन में एक बहुत सुंदर मकान खड़ा हो जाए। कहते ही उसका जमीन में एक सुंदर मकान बिल्डिंग, फाइव स्टार बिल्डिंग खड़ा हो गया बहुत सुंदर, लेकिन देख रहा कि बाजू में जो पड़ोसी का जमीन था उसमें दो बिल्डिंग खड़ा हो गया। हैं, कहा कि मेरे जो घर बना उसमें से एक सुंदर स्त्री निकालकर मेरी पत्नी के रूप में मुझे स्वागत करके ले जाए घर में। देख रहे कि सत को सत एक बहुत अप्सरा के समान स्त्री आया, उसको आरती लेकर आरती उतार के लेके गया। हैं, लेकिन देख रहा थे पड़ोसी में दो बिल्डिंग से दो सुंदर स्त्री आकर उसको स्वागत कर रहे हैं उसके पड़ोसी के। बोला देखो तपस्या क्या में मिलता है इसको, सर लाभ इसको मिल रहा है। इसने कहा कि देखो मेरा घर के सामने एक ड्रेन बन जाए, 20 फुट का गाढ़ा एक ड्रेन, 10 हाथ के लंबा हमने चौड़ा और गाढ़ा लंबा 20 फुट के गाढ़ा बन गया, तो इसके घर के बिल्डिंग सामने तो खोल एक गाढ़ा बन गया, लेकिन पड़ोसी का दोनों साइड आगे और पीछे दोनों जगह गाड़ियाँ बन गया। बोला अभी ठीक है, अभी लोग कैसे खुशी होते देखो, दुनिया में दूसरे के दुख देखने से खुशी होते। तो बोला अभी इसको सिखाता हूँ पाठ, है बिना तपस्या में भोग करना है। बोला कि देखो मेरे एक आँख नष्ट हो जाए, जब कहा था उसका पड़ोसी का क्या हुआ, उसका दोनों आँख नष्ट हो गया। हैं, अब बेचारे अंधा हो गया, तो घर से निकालते ही गाढ़ा के अंदर गिर पड़ा, तो अभी ताली मार के बोला हो गया अब। तो संसार की नीति ये है, हैं, तो दूसरे के सुख देखने से हम दुखी होते हैं, दूसरे के दुख देखने से हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए बिना कारण से आज किसी वैष्णव के सुख देखते हैं तो हमें उनकी निंदा करना, इनका कुछ कमियां देखना, चुगली करना, ये स्वभाव बन जाता है। हैं, बद्ध स्तर पर हम वैष्णव की निंदा करना स्वभाव बनता है। निंदंती कहते हंती, दूसरा क्या निंदंती, वैष्णव की निंदा करना बिना कारण से। हैं, फालतू तो उसके बारे में चर्चा करना, तो उसके दूसरे के भलाई हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए वैष्णव की निंदा करना, कोई उदाहरण दे सकता है वैष्णव की, कोई निंदा ऐसा करके ही वैष्णव अपराधी बना है क्या?
ये ऐसा उदाहरण जो पब्लिक सब लोग यहाँ बहुत लोग बैठे सभी कुछ ऐसा आएगा। भागवत से कोई पुराणों से उदाहरण दे तो चैतन्य महाप्रभु लीला सभी लोग नहीं जानते हैं है? है? पांडव क्या हुआ, दुर्योधन उनकी निंदा करता था किनकी, पांडवों की, बिना कारण से शकुनि के साथ बैठ बैठ के उनकी ही इनकी वही का चिंतन करता, उनकी निंदा करता था। और कई कई उदाहरण और कोई उदाहरण है निंदा करने का, वैष्णव की निंदा करना है। ध्रुव महाराज की निंदा किया, कौन, सुरुचि, जानते नहीं था ध्रुव इतने बने महान भक्त है। लेकिन ध्रुव महाराज जब अपने पिता उत्तनपाद की गोद में बैठने जाते थे, सुरुचि ने इनको बलात्कार से उठा ऐसे खींचकर बाहर कर दिया, तू उसे बाप तेरे बाप का गोद में नहीं बैठ सकता है क्योंकि तेरे मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ है, कहकर ध्रुव को ऐसे ही खींच के बाहर, दई तुझे बाप की गोद में बैठना है, जा तपस्या कर, भगवान विष्णु तेरी मदद कर सकते हैं। फिर इतनी अहंकारी थी कि भगवान विष्णु से वरदान मांग, फिर आके मेरे गर्भ में जन्म लेगा, जब मेरे गर्भ से जन्म ले निकाले हुए तो अभी तुझे पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा है, इतनी अहंकार है। वैष्णव की ही निंदा कई उदाहरण है शास्त्र में है। दक्ष प्रजापति ने निंदा किया, किसका, शिव जी का निंदा किया है, शंकर जी को बिना कारण से, क्योंकि प्रजापतियों की सभा हो रहा था तो उसमें सभी प्रजापति बैठे थे, तो शंकर जी भी एक प्रजापति है, दक्ष भी प्रजापति है, ब्रह्मा जी भी प्रजापतियों की है मालिक है, तो सब बैठे थे। लेकिन जब दक्ष ने प्रवेश किया, दक्ष को अब अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, दक्ष समस्त प्रजापतियों की हेड बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था, किसको, दक्ष को, इसलिए तो उसको थोड़ा घमंड हो गया था, मैं सारे प्रजापतियों की हेड है, इसलिए मैं जब प्रजापतियों की सम्मेलन में आता हूँ, सभापति हूँ, तो सभी लोग अवश्य खड़ा होकर मुझे सम्मान करना चाहिए। सभा में जितने अन्य प्रजापति बैठे थे सम्मानित किए इनको, लेकिन ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी हैं और वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे थे, उनको ठीक हुआ। ये शंकर जी भी नहीं खड़े हुए, वो भी अपने आसन पर बैठे थे, बोला अरे इसको तो बड़ा घमंड हो गया, किसको, शंकर जी की दिव्य स्थिति को नहीं समझा, अब बहुत गाली देने लगा, बहुत निंदा करने लगा है। शंकर जी तो सहन कर गए, सब सहन किए, स्वयं का निंदा सहन किए, लेकिन जब आस्ते आस्ते दक्ष ने सती को अपमान किया है शंकर जी के, तो उन्हीं की सती उन्हीं की लड़की थी दक्ष का, और जो उन्होंने दक्ष यज्ञ में भाग लेने के लिए शंकर जी मना करने पर भी आकर सती आ गए और अपने पति का निंदा सहन न करके उन्होंने यज्ञ में प्रवेश कर दिया है, तो फिर शंकर जी सहन नहीं किए। हमारा यदि कोई निंदा करता हमें सहन करना चाहिए, लेकिन हमारे सामने यदि किसी दूसरे वैष्णव की निंदा होता तो उसको नहीं सहना चाहिए है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वैष्णव निंदा को सहन करने से, जानते हुए प्रतिकार न करके सहन करते रहने से हमारा स्वयं का भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए वैष्णव निंदा हमारा ऊपर हमको कोई गाली दे रहा निंदा कर रहा है, इसको सहन करना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कोई दूसरे वैष्णव का निंदा हो रहा, भगवान की निंदा हो रहा, गुरु की निंदा हो रहा, इसको नहीं सहन करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कहे कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, तृण से भी अपने को तुच्छ वृक्ष से सहनशील बनकर सदा भगवान हरि के क्या नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। उन्होंने भी जब देखा कि नित्यानंद प्रभु के को क्या मारा, शराब का कूलर फेंक कर, मिट्टी का कूलर शराब पी रहा था उसी को फेंक कर उनके सिर फोड़ डाला, कौन, माधाए ने, तभी वही चैतन्य महाप्रभु ने क्रोधित होकर आग की तरफ आए, सुदर्शन को बुलाए, आओ सुदर्शन, आकाश में सुदर्शन आ गया, देखिए इसको समान है। इसलिए हम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं का निंदा को सहन करते थे, लेकिन जब उनके सामने दूसरे महान वैष्णव हैं नित्यानंद की निंदा हुआ तो सहन, तो इसलिए निंदा, वैष्णव की निंदा करने से, बिना कारण से उनकी निंदा करने से, चुगली करने से, उनकी बुराई बोलते रहने से दूसरों के पास में, ये अपराध होता है, इसको कहते वैष्णव अपराध, ये निंदा करने से। कई उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु की लड़ा में भी, कई उदाहरण है वैष्णव
हाँ वो सब बहुत उदाहरण है। सची ने माता सची ने थोड़ा उदयताचार्य के बारे में बोलती थी कि ये मेरा बड़ा लड़का को सन्यासी बना दिया, किसको, विश्वरूप को है, चित्र बड़ा भाई ये अद्वैत के साथ संग करने के कारण ये संन्यास है, इसको क्या पाठ पढ़ाया अद्वैत, वो संन्यास नहीं घर छोड़ के चला गया, ऐसा थोड़ा कहता था। बोलता कि और दूसरा लड़का भी उसके साथ घूम रहा, पता नहीं इसका भी क्या हालत होगा है। सच्ची माता थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी कभी बोलती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता को कहे कि तुझे भी कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि तू वैष्णव अपराधी नहीं है, है? तू वैष्णव की निंदा करता है, अद्वैत का चरण में निंदा किया। इसलिए सच्ची माता एक दिन अद्वैताचार्य जब ये बात को सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े तो सच्ची माता जाकर उनके चरण कमलों को स्पर्श करके ही अपने अपराध से मुक्त हुई। जैसे काल हम के चर्चा भी करके किए थे, यदि कोई वैष्णव अपराध करता है इसकी निराकरण के क्या उपाय है, उसी वैष्णव के चरण में जाकर माफ़ी मांगना पड़ता है, उसका कोई दूसरा निराकरण के उपाय नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि हमारे यदि कंटा आपकी पहर में चुहा है, पहर में कहीं चलते तो कंटा चुभ गया तो आप बोलोगे इसको सिर से निकाल लोगे, निकालेगा नहीं, जहाँ कंटा चुहा है वहीं से निकलेगा, पैर में चुहा तो पैर से ही कंटा को निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप किसी वैष्णव के चरण में अपराध कर लिए हो, निंदा किए हो, हंती निंदंती, तो निंदा किए तो उसी वैष्णव के चरण में जाकर क्षमा मांगना पड़ता है, बहुत घातक है। नहीं तो शास्त्र में बहुत कहा गया जब वैष्णव अपराधी करते हैं तो उसके सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ करोति यस्य नश्यन्ति अर्थ धर्म जस सुत, ये सब नष्ट होते हैं, इसकी जस इसकी ख्याति इसकी पुत्र इसके धन इसके सभी सौभाग्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराधी को भगवान क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनं पतन्ति पितरः सार्धं महारौरव संगीतम, इसके पितरों भी नर्कगामी हो जाते हैं, वैष्णव नंदक के निंदक की पितरों भी नर्कगामी हो जाते हैं, है? इसलिए ये दूसरे उपाय कहते कि ये छह उपाय कहा गया कैसे हम वैष्णव अपराध करते। पहला कहा गया हंती, जिसको जान से मार डालने से बाद जान मारने के लिए प्रयास करने से, है? दूसरा निंदंती, हंती निंदंती वही द्वेष्टि, द्वेष्टि का अर्थ है द्वेष करने से, वैष्णवों के प्रति द्वेष भावना रखने से, है? कौन सा उदाहरण है द्वेष का, ऐसे द्वेषी बनकर कौन अपराध किया वैष्णव चरण में, हैं? सौभरी मुनि जमुना में पानी के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जाकर गरुड़ जी प्रत्येक दिन जाता था मछली खाने के लिए जमुना में, वहीं सौभरी मुनि के आश्रम के आसपास वहाँ जाकर जमुना में मछली पकड़ी खाता था, लेकिन सौभरी मुनि का बड़ा अहंकार हो गया था, मैं तपस्या इतना बड़ा तपस्या कई सालों से किया हूँ, इनको आस्ते आस्ते मछलियों के प्रति प्रेम हो गया था, लेकिन गरुड़ जी इतनी बड़े भगवान विष्णु की बहन है वो समझा नहीं, गरुड़ अपने खाना खा रहा है उसको क्या है, हैं? मुझे एक मायापुर में एक भक्त ने पूछा, क्या क्या आप लोग वैष्णव कहते हैं और विष्णु का बहान तो गरुड़ मछली खाता है, तुम लोग क्या हो गया, ये बंगाल में सब क्या खाते हैं, मछली नहीं सब लोग खाने वाले हैं, वो मीट खाना छोड़ देंगे लेकिन मछली नहीं छोड़ेंगे, हैं? कहेंगे ये तो ऐटा तो जलेर फल है, क्या है, मुझे पता है, मैं एक बार शेविंग हो रहा था मायापुर में, एक नाई ये शेविंग कर रहा था तो मैं देखा कि नाई ने तिलक लगाया, कंठी लगाया, तिलक लगाया बहुत अच्छे, मैंने पूछा भाई आप तो वैष्णव है ना, क्या तिलक करना, बोला हाँ हाँ हम वैष्णव है, हमारे घर सब वैष्णव, तो मैं जानते बंगाल में मछली खाते, पूछा भाई तुम मछली खाते हो कि, बोला गोसाई एटा तो जलेर फल है, एटा जलेर फल पानी का फल है, उसके उसमें दोष नहीं है, तो क्या करें, तो लेकिन गरुड़ जी कहते कि आप लोग तो हमको कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, तुम लोग तो वैष्णव हो, गरुड़ का पूजा करते हो विष्णु का वाहन के रूप में, तो गरुड़ तो मछली खाता है, मेरे गरुड़ जो मछली खाता है वो मछली का क्या होता है, उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाती है, गरुड़ की मालिक विष्णु इसको अपने चरण कमल में वैकुंठ में आश्रय देते हैं, तुम यदि मछली खाओगे तुमको पकड़ के कौन लेके जाएगा,
जमदूत आके बांध के लेके जाएंगे, पिटाई करेंगे, है तो समझ में नहीं आ रहा है गरुड़ मछली खाना और तू मछली खाना में कितना अंतर है। से गरुड़ जी का वो खाना उसको दिया गया है, भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया उसका ये खाना है, सांप मछली खाएगा लेकिन उसको वो पाप नहीं लगता है, है? कोई शेर है तो कोई पशु को पकड़ के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन हम मनुष्य होकर यदि ये काम करोगे तो उनको पाप लगेगा। तो इसलिए नहीं सौभरमणि सौभरमणि भी गरुड़ को अभिशाप देने के अहंकार आ गया है कि तुम किसका भी वाहन हो दोबारा यदि आएगा ऐसे मछली खाने तेरी मृत्यु हो जाएगा। ऐसे सुन के गरुड़ जी ने ये अभिशाप को उल्लंघन कर सकते लेकिन एक मुनि का वचन को रक्षा करने के लिए और वो स्थान में नहीं आते थे क्योंकि उन्होंने ईर्ष्यालु बना गरुड़ जी के प्रति, इसलिए थोड़े दिन में उनको मछलियों के प्रति आसक्ति होने बढ़ने लगा। मछली वो एक मछली दूसरे से मैथुन करते हुए देखकर उनका भी कई जो हजार हजार साल से बैठ के ब्रह्मचर्य पालन करी उस तपस्या करते थे इनकी मन में भी इच्छा हो गई क्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की। पानी के अंदर से निकले मथुरा के राजा मांधाता थे उनके पास गए कहे कि मुझे मैं शादी करना चाहता हूँ एक लड़की दे दो मुझे जोगी है अर्थात भौतिक की वैष्णव निंदा करने से हमारे अंतकरण में भौतिक इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं उत्पन्न होती है, हैं वैष्णव प्रति ईर्षालु जैसे कौरव कौरव ने जो दुर्योधन ईर्षालु था किसके प्रति द्वेष के कारण किनके प्रति द्वेष करता था पांडवों के ऊपर सदा द्वेष करता था लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी भी द्वेष नहीं करते थे और दुर्योधन को दुर्योधन भी नहीं कहते थे क्या कहते थे सूर्योधन कहकर उसको पुकारते थे। जब गंधर्व की राजा चित्रसेन ने सारे कौरवों को बांध के लेके जा रहा था बांध के लेके जा रहा क्योंकि वो अप्सराएं गंधर्व लोग आए थे उनके कुछ अप्सराएं भी आए थे और चित्रसेन की बहन को देखकर दुर्योधन की इच्छा हो गया उसको प्राप्त करने की। आज ये जो बलात्कार करके उनको पकड़ना चाहते थे तो सारे गंधर्व आए इनको पिटाई करी बांध के लेके जा रहा था। गंधर्व के साथ में युद्ध करने का शक्ति किसके पास नहीं था वहाँ कर्ण भी था कर्ण भी युद्ध नहीं कर सकता गंधर्वों के साथ युद्ध तो इसलिए लेकिन वो आकाश में चिल्ला रहा था जो बांध के लेके जा रहे थे दुर्योधन को पिटाई करके बोले तरीके से लेके वहाँ दफना दे देंगे चढ़ा देंगे सूढ़ी में बहुत पांडव को सता सता की तरह है हिम्मत हो गया ना। लेकिन सभी लोग जो लेकिन वो फुकार रहा था युधिष्ठिर महाराज को कोई भागते भागते जाकर कहा युधिष्ठिर महाराज को आपके भाई दुर्योधन को लेके जा रहे हैं कौन और आपका सहायता मांग रहा है आपकी प्रार्थना कर रहा है तो युधिष्ठिर महाराज फिर क्या किए हैं अर्जुन को कहे जाओ अर्जुन भीम बोला कि नहीं नहीं अच्छा हुआ उनका काम वो कर देंगे हम कर नहीं जाएंगे लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहने पर हैं अर्जुन ने आकर छुड़ा है। ये कभी भी ईर्ष्या नहीं किए पांडव लोगों ने कभी भी दुर्योधन के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते थे लेकिन दुर्योधन सदा ईर्ष्यालु बन के रहता था हैं यहाँ तक कि भगवान को भी बंदी बनना चाहता था। जब भगवान ने स्वयं दूत बनकर गए कहे पांडवों के पक्ष में कहे कि देखो धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र कहे कि पांच पांडवों को पांच गांव दे दो और तुम पूरे विश्व के शासन करो पांडव पांच गांव में प्रसन्न रहेंगे। तब भी दुर्योधन कहा बिना युद्ध में सूचक्र मेदिनी भी नहीं दूंगा सुई के अग्रभाग में जितनी मिट्टी इतना भी नहीं दूंगा। पांडवों को विनाश करने के लिए लाख गृह के अंदर रहकर आग लाख गृह बनाकर कपट में उसके आग लगा दी कपट पासा में इनसे सब कुछ छीन लिए बहुत कुछ है किसे ईर्ष्यालु बने द्वेष की द्वेष के एक ज्वलंत उदाहरण है दुर्योधन का किनके प्रति अंत में क्या हुआ स्वयं ध्वंस हो गया है। इसलिए वैष्णव के प्रति द्वेष करने से वैष्णव अपराध बनता है जिसकी क्षमा भगवान भी नहीं करते हैं उसकी पतन उसकी ध्वंस सुनिश्चित हो जाता है। मैं बहुत ब्रीफली कर आपके टाइम भी है 8:30 का एक घंटा चला गया शासन हंती निंदंती वही द्वेष्टि वैष्णवनांग न अभिनंदंती न अभिनंदंती अभी अभिनंदन अभिवादन करना वैष्णव को देखकर क्या करना चाहिए इनके अधिकार की आधार पर इनको सम्मानित करना चाहिए। कोई वैष्णव आ रहा है तिलक कंठी धारण करके ही इनको देख रहे हो तुरंत हमें प्रफुल्लित हो जाना चाहिए हैं प्रसन्न अभिवादन करना चाहिए उनको स्वागत करना चाहिए
प्रभु जी आइए हैं पधारिए आइए, बड़े स्वागत हर्षित होना चाहिए वैष्णव को देखकर, उनको अभिवादन करना है। लेकिन कोई वैष्णव आता है तो देखकर अरे कहाँ आ गया, वही प्रणाम करना पड़ेगा, खा ऐसे चुपचाप के रास्ता घुमा के भाग गए, उधर घूम के भाग गए, बोला अरे सामने आ गया, बेकार का टाइम कहाँ पहुँच गया ये, तुरंत ही घूम के भाग गया। अभिवादन नहीं करने से, हैं वैष्णव को आदर नहीं देने से हैं अपराध बनता है। फिर वैष्णव आ रहा सामने, न ऐसे कहते कि न अभिनंदनती हैं वैष्णव मानंग न अभिनंदनती, वैष्णव को देखकर उनके अभिवादन नहीं करने से हैं उनके आदर नहीं देने से अपराध बनता है। हैं ये कौन सा अपराध, ऐसे का कौन सा उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन सा दे सकता कोई, वैष्णव अपराध ऐसा कौन किया है, सम्मानित न करने से अपराध होता है, ऐसा कौन सा उदाहरण है। इंद्र ने बृहस्पति को है, बृहस्पति जब इनकी गुरु थे तो इंद्र ने अपने राज्यसभा में बैठकर क्या कर रहा था सब देखना पड़ा, अपने इंद्र के आसन पर बैठा हुआ था और उर्वशी मेनका सो तब नृत्य कर रहे थे बड़ा घमंड में बैठा। लेकिन उसी समय उनकी गुरु वो भी महान वैष्णव बृहस्पति प्रवेश किए सभा में, इनको देख कर भी वो उनको आदर घमंडी बनकर बैठा था, इसलिए बृहस्पति नाराज होकर चले गए, उसी से उसका सर्वनाश हुआ, किसका, इंद्र का सर्वनाश हुआ है। इस प्रकार कोई वैष्णव को देखकर हमें तुरंत ही अपने स्थान से उठकर उनको सम्मानित करना चाहिए, उनको अभिवादन करना चाहिए, मीठा बातचीत करना चाहिए है, थोड़ा मीठे बोलना है, मुख है तो मुख मीठे वचन करना चाहिए, आँख है तो प्रेम से इनको देखना चाहिए है, तो मुख है तो उनके बारे में थोड़ा सा मीठे वचन कहना चाहिए, गुणगान करना चाहिए वैष्णव के। और जो ये नहीं करता, अभिवादन नहीं करता है तो अपराधी बन जाता है। इसमें कई उदाहरण इस प्रकार है कि वैष्णव को देखकर उनके अभिवादन नहीं करने से अपराध बनता है। तो इसलिए कहते कि न अभिनंदनती हंती निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदनती, इसके बाद कहते कि क्रुध्यंती, वैष्णव के प्रति बिना कारण से क्रोध प्रकाश करने से, क्रोधित होने से, दुर्वासा जैसे क्रोधित हो गया किसके ऊपर, अम्बरीश महाराज के ऊपर है, बिना कारण से क्रोधित हो गया, दिखाता हूँ वो भी बाल पटक दिया बस राक्षस उत्पन्न करके बोला मार दंश कर दे, बिना कारण से क्रोधित हो जाना। और कौन उदाहरण है बिना कारण से क्रोधित होना, है हिरण्यकशिपु बिना कारण से क्रोधित हो रहा था किसके प्रति, प्रहलाद के प्रति है, प्रहलाद क्या है बिना कारण से क्रोधित है, अरे प्रहलाद तुझे कौन शक्ति देता है ये संसार में कोई है। जब प्रहलाद को पूछा कि हिरण्यकशिपु बेटा क्या शिक्षा किया गुरुकुल में, इतना दिन पढ़ाई किया क्या क्या सीखा, तो प्रहलाद ने कहे कि मैं तो यही गुरुकुल से सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, क्योंकि ये तो उनका गुरु उनको सिखाए थे, कौन नारद मुनि, वो संधवर्ग को अपना गुरु मानते ही नहीं थे, हिरण्य को सोच रहा है कि संधवर्ग से सीख रहे हैं। हिरण्यकशिपु पहले तो संधवर्ग को देखकर बहुत क्रोधित हुआ उनके ऊपर, क्या सिखाया हमारे बेटे को, छोटा सा लाला का है, चार साल का लाला है, पाँच साल का, उसको ऐसा सिखा रहे विष्णु भक्ति, विष्णु मेरा शत्रु है उसकी भक्ति सिखा रहे मेरे बेटा को है। प्रहलाद को जो डांटने लगा, फिर देखा कि प्रहलाद तो पूरे शांत रूप से बैठे हुए, कुछ जानते निरीह बालक, प्रहलाद के ऊपर क्रोधित न होकर कहा कि बेटा देख बहुत अच्छा श्लोक तूने सीखा, श्लोक बहुत अच्छा है लेकिन इसका एक शब्द को उठाकर वहां पर मेरे नाम लगाना पड़ेगा, कौन सा शब्द, श्रवणम कीर्तनम विष्णु का नाम हटा दो, ये विष्णु शब्द दो हटा के वहां पर किसका नाम लगा दो, मेरे नाम लगा दो हिरण्यकशिपु, श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम पाद सेवनम, सब कुछ परफेक्ट है। प्रहलाद कहे कि नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसलिए क्रोध आ गया किसको, हिरण्यकशिपु जो गोद में लेकर बैठा था उठा के फेंक दिया, ये मेरा पुत्र नहीं है, है? मार डालो इसको, क्रोधित हो गया तुरंत है वैष्णव के प्रति, क्रोधित होने से बिना कारण से क्रोधित होकर इनको धिकारने से
बुरे बुरे वचन भाषा कहने से है? आप लोग का एक्सपीरियंस है कोई अपने अपने बीच में ऐसे ही क्रोधित होकर गुस्से में कोई बोलने का एक्सपीरियंस है? हैं, देख लूँगा समय आने पर, हैं, है ना? कभी है भक्तों के बीच में भी कभी कभी हो जाता है जब क्रोधित होता है तो क्रोधित हो क्रोध हो क्रोध आने से सबसे पहला क्या लक्षण है क्रोध का? यदि एक व्यक्ति क्रोधित होगा इसका क्या लक्षण होता है? आँख लाल आने पर है, इसकी मुख का भंग है, पता लगेगा ना ये क्रोधित हो गया है। जब एक बार भृगु मुनि ने परीक्षा कर रहे थे ब्रह्मा जी विष्णु और महेश में, तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी उनके पिताजी थे, लेकिन अभी तक परीक्षा कर रहे थे इसलिए उनके पास गए। जाकर जब ब्रह्मा जी को सौ हर दिन जाके प्रणाम करके बैठते थे, आज प्रणाम है पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं किया, ये सुनते ये इतना ही मन में भावना आते ही तुरंत क्रोध के लक्षण पकड़ो गया। किनके किनके मुखमंडल में? ब्रह्मा जी के मुखमंडल तो देखकर भृगु वहाँ से चले, बोले समझ गए अभी इसका क्रोध का कंट्रोल क्रोध को कंट्रोल करना इतनी आसान नहीं है, शंकर जी भी नहीं। फिर भृगुमुनि आगे बढ़े शंकर जी के पास। शंकर जी तो बहु वैष्णव माना के भोले भाले रहते, भोलानाथ है। वो देखे कि भृगु आ रहे, भृगु भी ब्रह्मा जी के पुत्र, कहे कि भाई मेरे भाई छोटा भाई आ रहा है, बड़े बड़े खुश होकर आलिंगन करने के लिए भागे आए। किसको? भृगु बोलता परीक्षा करने गया था। कहा कि हे दूर से दूर, क्या क्या सब स्मशान का विभूति लगाया शरीर में, मरा हुआ सबका उपाय राख को लगाया, अरे ये क्या है सांप बिच्छू, कई दिन से स्नान नहीं किया है। तो उसका क्रोध आ गया, किनको? हाँ शिव जी को भी क्रोध आ गया, बोले अभी उठा लिए त्रिशूल आए समाप्त करता हूँ तुझे। तुरंत पार्वती आकर बहुत मुश्किल से समझा बुझा के उनको शांत किया। लेकिन भगवान विष्णु के पास में जब भृगु मुनि पहुँचे, देखिए भगवान के पास में कुछ उपद्रव करने वो कुछ नहीं, बड़े शांत से सोए हुए लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं क्षीरसागर में। कहे कि ये पूरा ये तो कुछ परिवर्तन नहीं, और सीधा जाकर इसलिए छाती में, इनके छाती में जाकर पैर में लात लगा दी। तभी भी भगवान तो कहे कि हे ब्राह्मण देव, मेरा हृदय तो बहुत कठिन है, बड़े हाँ वज्र के समान कठोर है, और आपकी चरण तो कमल तो कमल के समान बड़े कोमल चरण कमल है। आप जो मेरे छाती में ऐसे ही प्रहार के, तो आप पैर को कितना कष्ट हुआ होगा। कहकर उनकी पैर को और मालिश करने लगे। किन क्या भृगु मुनि, तो भृगु मुनि समझ गए कि भगवान विष्णु ही केवल क्रोध को संयमित करके रखे हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की भक्त होते हैं, जो कि जिस प्रकार भगवान विष्णु कभी हैं क्रोधित नहीं होते अनायास में, उनको अपमानित करने पर भी क्रोध नहीं आता उनके मन में, इसी प्रकार वैष्णव के भी लक्षण होना चाहिए। हैं स्वयं के लिए सहन करना चाहिए, तुणादपि सुनिचे न तरोरपि सही सुना। लेकिन यदि हम किसी वैष्णव के ऊपर क्रोधित होते हैं तो हमें अपराधी बनते, उस वैष्णव के चरण में अपराधी बन जाते हैं। बिना कारण से किसके ऊपर क्रोध प्रकट करने से हम उसके चरण में अपराधी बनते हैं। इसलिए क्रुध्यन्ति क्रोधित होने से वैष्णव अपराध करते हैं। एक्सपीरियंस है क्रोधित होना, किसी लिए क्रोध होते हैं, क्रोध किस लिए हमारे मन में आता है, क्या कारण क्रोधित होने का? राजगुण के प्रभाव से, भगवान कहे गीता में काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्येन यह वैरिणाम। हैं यह हमारे शत्रु है, पहचानो ये काम क्रोध ये रजगुण के प्रभाव से हमारे पास में उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तक है भगवान विष्णु तथा भगवान विष्णु की भक्त वैष्णव ये सदा शुद्ध सत्व में रहने के कारण ये क्रोधित नहीं होते हैं। इनके मन में कामनाएं और क्रोध, काम क्रोध ये सब भाई है, ये छोटे भाई है, तीन भाई है काम क्रोध। भगवान इसलिए कहते कि काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रय त्यजेत, तीनों को त्यागना चाहिए। त्रिविध नरक स्वेदम द्वार नाशन आत्मन, नरक के तीन गेट है क्या? नरक को यदि कोई जाना चाहते हो तो तीन गेट में जब घुसना पड़ता, कोई भी एक गेट में घुस जाओ है, काम लस्टी डिजायर क्रोध और लोभ। पाप के बाप कौन है? ये तीनों में डेंजर कौन है? काम क्रोध लोभ है,
पाप की बाप कौन है? पाप की बाप वो प्रभु जी करे लोग, पाप की बाप लोग है, लोग के कारण पाप करता व्यक्ति है, लोग के कारण व्यक्ति पाप करता है, वो बड़ा कहानी, कई कहानियां है, कहानी कहना यहाँ पर टाइम नहीं है संक्षेप में। तो इसलिए ये कहते यदि हमें क्रोधित होते हैं, क्रोधित तो दूसरे के प्रति, लेकिन यदि वैष्णव के प्रति जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है इसके प्रति क्रोधित हो जाने से उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है, हैं, भगवान सहन नहीं करते, अपने भक्त के प्रति अपमान को सहन नहीं करते हैं, इसलिए क्रोध को संयमित करके रखना चाहिए। तो हमें क्रोधित नहीं हो, यदि क्रोधित होंगे तो कहाँ क्रोधित होना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरिकथा है। इनको कैसे कृष्ण काम क्रोध लोभ ये तो रजोगुण से आएंगे, हम मनुष्य जुनि में तो हम रजोगुण प्राधान्य है, लेकिन फिर भी इनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। काम को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण ज्यादा से ज्यादा परिश्रम फिजिकली लेबर करना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की सेवा के लिए। ज्यादा से ज्यादा किताब को लेकर वितरण करना चाहिए, बांटना चाहिए, फिजिकली परिश्रम कुछ करना चाहिए कृष्ण के लिए। काम कृष्ण कर्मार्पण है, कृष्ण के लिए कर्म करना। क्रोध अभक्त द्वेषी जने, हनुमान जी ने अपने क्रोध को शांत किया किसका ऊपर? रावण के, लंका को जलाया रावण के ऊपर क्रोध। क्रोध हमारे पास है, लेकिन एक क्रोध को भक्त विद्वेषी भगवान विद्वेषी के ऊपर इसको शांत करना चाहिए, लेकिन भक्तों के ऊपर नहीं। क्रोध को यदि भक्तों के ऊपर शांत करना चाहोगे तो फिर आप वैष्णव अपराधी बनोगे, भगवान आपको सहन नहीं करेंगे। इसलिए क्रोध को हमें अभक्ति अभक्त और द्वेषी व्यक्तियों के ऊपर, जो भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं, प्रचार के विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्रोध को शांत करना। क्रोध अभक्त द्वेषी जने, और लोभ किसको कैसे उपयोग करोगे? हरी कथा श्रवण में, हरी नाम जपने में, इसी में लोभी होना चाहिए है? जितनी भी सुनने पर कथा और अधिक से अधिक श्रवण करने की इच्छा होना चाहिए, इसी में संतोष नहीं होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। जितने भी भगवान के नाम माला पर जपने पर भी अधिक लोभी होना, नहीं नहीं आज मैं 10 माला किया था, कल को 12 माला करूँगा, फिर 16 माला करूँगा, ऐसे ऐसे लोभी होना चाहिए। भगवान के नाम जपने में, भगवान की कीर्तन करने में, भगवान के बारे में श्रवण करने से इसी में लोभी बनना चाहिए है। इसी प्रकार ये सभी को हम भगवान की सेवा में अवश्य लगा सकते हैं, इसलिए क्रोधी नहीं होना चाहिए। यदि क्रोधित करेंगे ये भी वैष्णव अपराध के एक कारण बन जाता है, क्रोध है। यदि क्रोध क्रुध्यते जानति न हर्ष, वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होने से अपराध बनता है, और दर्शने पतनानि सत, वैष्णव को देखकर हर्षित होना चाहिए या उनके अधिकार के आधार पर उनको सम्मान करना चाहिए। काल हम चर्चा किए थे वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम वैष्णव, इनके अधिकार के आधार पर इनको सम्मान करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत के 5 नंबर श्लोक में इसके बारे में कहते हैं है? कृष्ण तेजस्य गिरीत मनेशा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञानन्यमन्य निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा है। रूप गोस्वामी शिक्षा देते हैं यदि कोई कृष्ण के नाम मुख में ले रहा है, कृष्ण तेजस्य गिरीत, जिसकी जिह्वा से कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है, लेकिन वो चाहे उन्नत भक्त नहीं है, अभी तक भी रूल रेगुलेशन ठीक से पालन नहीं कर रहा है, अभी कभी कभी भी सिगरेट पी लेता कहीं देख रहा है, नशा छोड़ा नहीं पूरा, वैसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल पूरी पालन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको कीर्तन करने में आनंद आता है, भगवान के नाम लेता है, ऐसे वैष्णव को प्राकृतिक वैष्णव कनिष्ठ कह के जानते हुए इनको भी देखने पर मन में क्या कहना चाहिए? हरे कृष्ण कहकर इनको सम्मानित, मन से आदरीय, मन से आदर देना चाहिए ऐसे वैष्णव। यदि इसको मन में आदर नहीं करेंगे आप अपराधी बनेंगे, अपराधी बनते हैं। लेकिन आगे बढ़कर यदि कोई भक्त ने दीक्षा ले चुका है, दीक्षास्ति चेत, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लिया हुआ है, माला जप रहा है, भगवान की अर्चन कर रहा है, भागवत की कक्षा दे रहा है, भागवत से बैठकर श्रवण कर रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, रूल रेगुलेशन सब फॉलो कर रहा है, नशा नहीं करता, जुआ सटा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, अवैध संघ से मुक्त है,
ऐसे वैष्णव को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुंटन को जमीन में लगाकर इनको प्रणाम नहीं, यदि आप नहीं करोगे आप अपराधी बनोगे उस वैष्णव के चरण में, हैं। इसलिए कहते दीक्षा स्थित चेत प्रणति भिष्य, उसको प्रणाम करो, जो दीक्षा ले चुका है प्रामाणिक गुरु से स्वीकार किया है, वो गुरु गुरु स्वीकार करके ही प्रामाणिक भक्ति कर रहा है मध्यम स्तर पर, उसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए कहते कि शुश्रूषया भजन भी क्यों अनन्य मन्य, लेकिन जो अनन्य चित्त होकर भगवान के शरणागत है, हैं, भगवान से पूर्ण शरणागत हो गया है, उत्तम वैष्णव है, उत्तम वैष्णव का मुख्य लक्षण कहते हुए रूप गोस्वामी कहते कि मुख्य लक्षण क्या है उत्तम वैष्णव का, क्या निंदा आदि शून्य, जो उत्तम वैष्णव वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, इनके मुख्य लक्षण है। चाहे राधाकुंड में बैठकर कोई 200,000 नाम डेली जप रहा है, लेकिन कोई इस्कन के भक्त परिक्रमा करते देखेगा, देखा तो अरे इस्कन वाले भगवान दाम नहीं जाएंगे, तुरंत निंदा करना शुरू कर देता किसका है, भक्त का। तो उत्तम वैष्णव नहीं, यही प्रमाण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि हाँ, यदि कोई सदा हरिनाम ले रहा है लेकिन निंदा को नहीं छोड़ा, उत्तम वैष्णव नहीं हो सकता। इसलिए उत्तम वैष्णव के मुख्य लक्षण को कहते हुए रूप गोस्वामी कहते कि निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध, ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। जो भक्त दूसरों की निंदा चुगली करने से संपूर्ण मुक्त है, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, उत्तम वैष्णव। इसलिए तीन कैटेगरी के वैष्णव को ऐसे, जो उत्तम वैष्णव उनके संग करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए, और उत्तम वैष्णव को देखने से पूरे साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम यदि उनके अधिकार के आधार पर उनको सम्मानित नहीं करते हैं तो हम उनके चरण में क्या बनते, अपराधी बनते हैं। वो तो माइंड नहीं करते हैं, लेकिन इसको माइंड कौन करता है, कृष्ण माइंड करते हैं, भगवान इसको क्षमा नहीं करते। इसलिए ये नहीं कि कोई भी कहे कि हमें कोई बड़ा वैष्णव के चरण में अपराध करेंगे तो भोगना पड़ेगा, छोटे वैष्णव के अपराध करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा भी सोचना गलत है। चाहे किसी ना किसी कारण से यदि हमें किसी वैष्णव के मन में दुख दिए हैं, उसका प्रतिक्रिया हमको भोगना पड़ता है। यहाँ तक मैं कहानी वर्णन करते हुए भक्ति रत्नाकर में कहानी कहते हैं रूप गोस्वामी के चरित्र से। रूप गोस्वामी महान उत्तम अधिकारी वैष्णव थे, कोई डाउट नहीं था, सभी ब्रजवासी जानते थे। इन्होंने नंदगांव जावट के बीच में टेर कदम में बैठकर भजन करते थे। भगवान के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, भगवान के नाम में इनके रूप, इनकी गुण, इनके लीलाएं सब छुपा हुआ है। जब भी कोई शुद्ध नाम लेता है तो भगवान की लीलाएं उनके सामने प्रकट होते हैं। शुद्ध नाम लेने से प्रारंभ से इनके रूप, फिर आस्ते आस्ते इनके गुण, आस्ते आस्ते लीलाएं प्रकट होती हैं। जब रूप गोस्वामी बैठकर हरिनाम नाम का जप करते थे, उनके सामने भगवान की दिव्य लीलाएं सब प्रकट होते हैं। एक दिन उन्होंने बैठकर जब जपा करते थे, इनको एक लीला दिखाई पड़ता था कि राधारानी के केशव विन्यास सखी लोग ने बैठकर कर रहे थे। राधारानी बैठी थी और पीछे से इनके केश के श्रृंगार कर रहे थे सखी लोग मिलकर। पीछे से कृष्ण आ गए, पीछे से आकर वो भी सखी लोगों के साथ मिलकर भगवान भी स्वयं राधारानी के केश विन्यास करने लगे। तो एक छोटा मंजरी थी ऐसा गोपी ही, तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा मिरर लेकर सामने रख दिया। किसके सामने, राधारानी के सामने रख दिया। तो क्या हुआ, राधारानी अभी देखे मिरर में तो किसको दिखाई पड़े, राधारानी को कृष्ण दिखाई पड़े। इसको देख कर सारे सखे हैं रूप गोस्वामी के मुख में हंसी आ गया, हंस गई है भगवान को देख कर। ऐसे ही राधारानी को ऐसा देख कर राधारानी शर्म गई कि कृष्ण पीछे उनकी कैसे विन्यास कर रहे। लेकिन इसको देखकर रूप गोस्वामी जो भजन करे नाम ले रहे थे, वो दृश्य देखकर उनको हंसी मुख में मुस्कान आ गई। लेकिन उसी समय में एक वैष्णव जा रहा था उस मार्ग में, वो इतनी महान वैष्णव नहीं था रूप गोस्वामी जैसे, है वो कृष्णदास नाम के एक वैष्णव जा रहा था। वो भी भगवान के नाम लेंगड़ा था, थोड़ा लेंगड़ा था, एक पैर थोड़ा ऐसे ही लेंगड़ा होने के कारण थोड़ा चलता था, ठीक रूप से चल नहीं पाता था। तो वो सोचा कि मैं ऐसे ही चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मैं लेंगड़ा हूँ, इसीलिए मुझे देख कर ये हंस दिए कौन, तो मूर्ख था वो क्या करेगा, वो देख कर सोचा कि रूप गोस्वामी मुझे देख कर हंस दिए, इसीलिए दुखी हो गए। क्योंकि सारा समाज में मुझे लेंगड़ा लेंगड़ा कहते हैं, और रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव भी मुझे देख कर मेरी हंसी उड़ा दी।
मुझे लेंगे ऐसा चलते हुए देखकर, विकलांग हूँ तो उनको भी हंसी दे, बोले भगवान मुझे ऐसा ही विकलांग किया, जाकर आश्रम में कुटी फुट फुट कर रो रो कर खाना पीना छोड़कर सज्जा में अपने बिस्तर में गिर गए, नहीं पड़े गए। लेकिन यहाँ जो रूप गोस्वामी बैठकर जो अपने दिल लीला दर्शन कर रहे थे, वो लीला देखना है उसी क्षण बंद हो गया। जिस समय वो वैष्णव के मन में दुख उत्पन्न हो गया, दुखी हो गया, इनके लीला दर्शन बंद हो गया। बहुत प्रयास किए रूप गोस्वामी, फिर क्यों क्या हो गया, मैंने तो कोई वैष्णव अपराध किए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी पधारे थे, उनको पूछे बड़े भाई भाई के भाई क्या लक्षण क्या कारण है, मुझे और जप करने के समय में भगवान की लीलाएँ दर्शन नहीं होती। तभी सनातन गोस्वामी कहे कि रूप इसकी एक ही कारण है, तू कहीं ना कहीं किसी वैष्णव के मन के मन में दुख दिया है, तू कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध किया है, किसी वैष्णव को अपमानित किया है, बस सम्मान नहीं दिया उपयुक्त। रूप गोस्वामी कहते मैं तो कोई जानबूझकर कहीं भी कोई अपराध नहीं किया है। तो भले ठीक है, हाँ राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, चैतन्य महाप्रभु कहते कि सनातन गोस्वामी राजमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे हुसैन सार के दरबार में, इसलिए बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। हैं ब्रज में जितने भी झगड़ा होता था, ब्रजवासियों के झगड़ा को यही मिटाते थे जाकर, कौन सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी कहे कि देख तुम्हारे कुटिया के आसपास में ऐसे वैष्णव रहते ना झुपड़ी बनाकर, सो अपने कुटिया बनाकर एक दिन तुम एक बड़ा भोज बनाओ, भंडारा बनाओ, सबको भोजन के लिए बनाओ, देखो जिसकी चरण में तुम्हारे अपराध होगा वो खाने के लिए नहीं आएगा, तो फिर तुम स्वयं जाकर उसको बुला के ला। तो रूप गोस्वामी जब ऐसे ही सनातन गोस्वामी निर्देशन में भोजन बोला, मैंने बहुत सुंदर फीस्ट बनाकर सबको निमंत्रण दिया भंडारा में, ये लेंगड़ा नहीं कृष्णदास नहीं आए, तभी मार्ग पर कौन नहीं आया, ये कृष्णदास नहीं आया। तो सनातन गोस्वामी कहे कि तुम्हारे अपराध उसी के चरण में, जा जाओ इसको बुला के लेके आओ, तुमको जाकर साक्षात इसको बुला के लेके आओ। तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई के बात सुनकर उसको जो बुलाने के लिए गए, रूप गोस्वामी उसके कोटिया के दर्जा पर आते ही वो चिल्लाने लगा, कौन कृष्णदास, उस दिन मैंने आपके सामने देखी जा रहा था, मुझे लंगड़ा देखकर आपको इतनी हंसी आ गया, मैंने ऐसे ही भगवान मुझे ऐसे ही लंगड़ा बनाया, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे फिस्ट खाने के लिए, तो चिल्लाने लगा है, बोले मैं नहीं जाऊंगा। रूप गोस्वामी समझ गए ये जब मैं हंसा था उस लीला को देखकर, ये उस समय जा रहा था रास्ता में, ये सोचा कि मैं इसको देखकर हंसा, अनजाने अपराध करने पर भी उसका प्रतिक्रिया भोगना पड़ता है, हाँ महान वैष्णव होने पर भी छोटे यदि कोई हरिनाम ले रहा है, हाँ दीक्षा स्थिति ने जो कृष्ण गिरित जिसके मुख में कृष्ण के नाम उच्चारण हो रहा है उसको सम्मान करना चाहिए, हाँ तो इसलिए रूप गोस्वामी ने बांछा कल्पतरु करके इनको प्रणाम किया और कहे कि रूप गोस्वामी प्रणाम करते देखकर वो तुरंत भी वो प्रणाम किया है। रूप गोस्वामी ने इनको बड़े प्रेम से समझाए इनकी हंसी का कारण क्या था, उन्होंने उनको देखकर कभी नहीं हंसे थे, इस बात को सुनकर वो लेंगे उसका मन में भी बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने रूप गोस्वामी के पास में इतने सारे गलत बात सोचा, मैं इसको ऐसा नहीं सोचना था, तो इसलिए उन्होंने भी दोनों को वंछा कड़प तरु करके प्रणाम करके आलिंगन करके अपने अपराध से मुक्त हो गए। तब फिर रूप गोस्वामी पूर्वोत्तर अपनी लीलाओं को दर्शन करते रहे जब भी समय, इसलिए जानना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटे मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ छोटा वैष्णव ये क्या है, काल के नया वक्त हैं, इसको तो एक थप्पड़ लगा देने से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिना कारण से मैं अथॉरिटी हूँ तो इसको किसी को गाली देना है ना दांड देना, जानता है मैं टेम्पल कमांडर हूँ निकाल दूंगा अभी मंदिर से, हैं तो जानना चाहिए हम कितनी टाइनी कितनी छोटे हैं सूक्ष्म है। जुहू में एक टेम्पल कमांडर था प्रभुपाद जी के टाइम से, वो डेली मीटिंग करता था सब नया भक्तों को, चौकीदार को बोला कि मीटिंग बढ़ेगा, जानते हो मैं कौन हूँ, अपने आसन में थोड़ा बढ़ेगा आराम से, बोले कि मैं टेम्पल कमांडर हूँ, जानते हो मैं चाहूँगा तो तुम किसी को जितने बैठो किसी को भी मंदिर से निकाल सकता हूँ, ऐसा कहता था अपने बड़ा आस्ते आस्ते बात प्रभुपाद जी के पास गया। प्रभुपाद जी ने एक दिन से बुलाया इसको, बोले कि देखो कुछ बोले नहीं, बोले कि प्रभुपाद हंस रहे थे मुस्कुरा रहे थे, कहे कि देखो ये अशेष कोटि ब्रह्मांड के है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक कौन है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्रह्मांड में कितनी ब्रह्माओं को सृष्टि की है,
परार्थ मुख ब्रह्मा, हजार मुख्य ब्रह्मा द्वारका में देखे ब्रह्मा जी ने, और उनमें से सबसे छोटा जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड है वो है, ये चार मुख वाले ब्रह्मा ने सृष्टि किया, और उनमें से एक छोटा सा प्लैनेट है, कई अन्य बड़े बड़े प्लैनेट है लेकिन उससे छोटा सा एक ग्रह है पृथ्वी लोक, और ये पृथ्वी लोक में सात महादेश है, उसमें एशिया महादेश सबसे बड़ा है, एशिया महादेश के अंदर में भारत एक देश है, भारत देश में इतने सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में कई सिटी में, उनमें से एक सिटी है बॉम्बे, बॉम्बे शहर में कितनी मंदिर है, उनमें से एक मंदिर है राधा रासबिहारी मंदिर, और उस राधा रासबिहारी मंदिर का परिचालना के लिए जीबीसी है टेम्पल प्रेसिडेंट है, जोनल सेक्रेटरी है टेम्पल प्रेसिडेंट है, फिर उनके टेम्पल मैनेजर हैं, और उनके बीच में कोई एक टेम्पल कमांडर बैठा है, और वो सोचता है कि मैं पूरा दुनिया का मालिक हूँ, तो प्रभुपाद जी ऐसा कहे तो उसका पूरा समझ गया वो क्या है, तो इसलिए हमें कभी घमंड तो नहीं दिखाना चाहिए, हमें चाहे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वरंग वो अधिक नम्रता, नम्रंति फलिना वृक्षा नम्रंति गुणिना जना, जैसे हरा भरा फल में फूल में भरा भरा जो फल में भरा होता है उस वृक्ष का टहनिया झुक जाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति सद्गुण में भरा रहता है वो अपने आप क्या होता है नम्र बनता है, झुक जाता है, सबको वो प्रणाम करता है, किसी को देखता है हरे कृष्ण बोलता है, उसके मुख से सदा मुस्कान रहते हैं, हैं? सभी को सम्मानित, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथाजथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे होता है, अपराध तभी नष्ट जब भी हम सभी को सम्मान देना सीखेंगे, हैं सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथाजथ, इसलिए वैष्णव डिक्शनरी में कोई लिखा नहीं किसी को असम्मान करना, सदा सभी को सम्मानित करना, इसलिए अंतिम जो उपाय में वैष्णव अपराध होता है वो कहते कि दर्शने जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सत, अन्य वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं रहा होने से या इनको देखकर अधिकार के आधार पर इनको सम्मानित नहीं करने से है, यदि वो हरे कृष्ण मंत्र ले रहा चाहे अभी दिखा नहीं वो जो भक्त नहीं है लेकिन फिर भी इसको हरे कृष्ण कहकर आदर करना चाहिए मनसा प्रीत, जो मध्यम भक्त हैं इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जो उत्तम भक्त हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही उनकी स्वागत करना चाहिए, यदि हम ऐसे नहीं करते हैं तो फिर हम अपराधी बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी किसी के प्रति हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारे किसी प्रकार के कार्य के द्वारा शरीर से वाणी से व मन से हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को दुखी नहीं बनाना चाहिए, कोई भी वैष्णव यदि दुखी होता है उसका परिणाम हमको भी भोगना पड़ता है, हम भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, हैं उसका हमारा प्रतिक्रिया हमको भी भोगना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आज संक्षेप में आप लोग को आज समझाया कि किसी प्रकार छह प्रकार की क्रियाओं के द्वारा हमसे वैष्णव अपराध बनते हैं, जो कि भक्ति में बहुत बड़े बाधक है, सबसे श्रेष्ठ बाधक है, सबसे बड़ा बाधक है कौन सा, वैष्णव अपराध, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि पागल हाथी के समान है, पूरा भक्ति का बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, कभी कभी हम देखते हैं इस्कन में कोई 15 साल भक्ति करता है 20 साल भक्ति करता है इसके बाद छोड़ छाड़ के कहीं गायब हो जाता है, हैं फिर दूसरे इस्कन भक्त को निंदा करना शुरू करता है, इसका कारण क्या है वैष्णव अपराध, ये दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वैष्णव अपराधी होने से अपने आप भक्ति से वो दूर हो जाता है, हैं इसलिए वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए, ये नहीं सोचना है कि मैं जेंट्स कोई बड़ा भक्त हूँ और कोई माता जी है तो उसको गाली दिया तो क्या हो गया, ऐसा भी नहीं, भगवान कहते कि स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपि जानति परांगतिम मांग ही पार्थ व्यपासित्य स्त्रिय अपिसु पापजन हो, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी भगवान की भक्ति बनने करने की अधिकारी वैष्णव बनने की अधिकारी है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा कहानी कह के हम आज की क्लास को अंत करें, काल फिर चर्चा आगे होगा, राधा कुंड में एक वैष्णव रहते थे, माने कि वहाँ वैष्णव तो उनके नाम था रूप कविराज, ये बड़े भागवत के बड़े विद्वान थे, भागवत को बहुत सुंदर भाव से व्याख्या करते थे, सारे गोस्वामियों की टीका को जानते थे, बहुत सुंदर भागवत व्याख्या करते थे, इसको जैसे राधा कुंड के वैष्णव लोग बड़ा खुश थे, इनको जानते बड़ा आदर करते थे, लेकिन वही राधा कुंड में और एक माता जी रहती थी, उसके नाम थे
कृष्णप्रिया ठाकुरानी हैं। कृष्णप्रिया ठाकुरानी जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती, गंगा नारायण चक्रवर्ती की बेटी थी, ये भी महान वैष्णवी थी और प्रत्येक दिन लगभग 300,000 नाम जपा करती थी। इसलिए राधा कुंड के सभी भक्त लोग ने इनको कहते थे कि क्या बड़े सम्मानित करते थे हैं इनको, राधा कुंड ठाकुरानी ऐसे ही बड़े सम्मान के साथ इनको बोलते थे हैं, देवी के समान सम्मान करते थे। लेकिन ये साथ साथ रूप कविराज भी महान भक्त था, भागवत की व्याख्या करने में इनको बड़ा ख्याति था। लेकिन कृष्णप्रिया ठाकुरानी जो कृष्णदास कविराज गोस्वाम के शिष्य थे मुकुंद दास, अंत बुद्ध समय में, अंत समय में जब बहुत बीमार पड़े थे, इन्होंने उनके लिए बहुत सुंदर खाना बनाकर उनकी बीमारी के आधार पर बहुत सुंदर प्रसाद बना के इनको खिलाकर इनकी बीमारी को ठीक किया था। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर उनके पास में रघुनाथ दास गोस्वामी की गोवर्धन शिला थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुकुंद दास को दिए थे, मुकुंद दास उस शिला को फिर दे दिए किसको, कृष्णप्रिया ठाकुरानी को कहे कि आप इतनी महान भक्त हो इस गिरिराज शिला को आप पूजा करो। तो वो शिला को पूजा करते लेकिन इसको ईर्ष्या हो गया किसको, रूप कविराज को, कहा कि देखो माता जी है उसको वो शिला पूजा करेगा हम नहीं कर सकता है। ईर्ष्या होने के कारण अंतकरण में उनके प्रति ईर्ष्या रहा। एक दिन रूप कविराज ने भागवत की कक्षा दे रहे थे, भागवत की बहुत व्याख्या कर सब सुने थे, लेकिन कृष्णप्रिया ठाकुरानी उसी भागवत कक्षा के पीछे बैठकर भागवत श्रवण कर रहे थे हैं। लेकिन उनके तो हैबिट है सदा उनके मुख से हरिनाम स्फुरण होते थे, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते थे हैं। इनके जीवा कभी स्टॉप नहीं होता था, सदा हरिनाम उच्चारण करता था। तो ये रूप करे देख रहा था, कुछ फॉल्ट तो देखना चाहता था, देखा कि ये तो ये क्या है, भागवत कक्षा बैठकर हरे कृष्ण कर रहे हैं, अरे बंद करो हरि नाम लेना, भागवत सुनो नहीं तो चले जाओ कक्षा के बाहर। तो उससे बड़ी नम्रता से दैन्यता से बैठी थी माता जी ने कही कि कृष्ण प्रिया ठाकुर ने कही कि हे प्रभु ये जीवा नहीं मानता है, मैं इसको बंद नहीं कर सकता, जब बलात्कार से हरि नाम प्रभु मेरे नृत्य करते हैं कहाँ जीवा में, इसलिए मैं वो नित्य जिह्वा के वृत्ति भगवान के नाम लेना लेते रहता, लेकिन कान का वृत्ति कान में मैं भागवत कथा श्रवण करता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मुझसे तो और क्रोधित हो गया ये हाँ। ज़्यादा पंडित ने बहुत गाली देने लगा, बहुत गाली देने रूप, लेकिन वही उनके लास्ट भागवत कक्षा था हाँ, क्योंकि बिना कारण से उन्होंने क्रोधित होकर गाली देने लगा किसको, कृष्णप्रिया ठाकुरानी को, इसीलिए उनकी जिह्वा में लेप्रसी हो गया है, आस्ते आस्ते उन शरीर में अन्य अंग प्रत्यंग में सो कुष्ठ व्याधि हो गया। सभी लोग कहे देख तू अपराधी बन गया है, एक कृष्णप्रिया ठाकुरानी से माफ़ी मांग ले, लेकिन वो घमंड के कारण कभी माफ़ी नहीं मांगा, अपना अपराध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसका सारा शरीर कुंड व्याधि हो गया। तो राधा कुंड छोड़ के फिर बंगाल में चला गया, बंगाल में गए लेकिन अपराध क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर जाके फिर गुरु चरण में अपराध किया। वैष्णव चरण में अपराध करने से फिर आस्ते आस्ते अपराध कहाँ तक जाता है, गुरु के चरण में, आस्ते आस्ते कृष्ण के चरण में अपराध होता है, उसके सर्वनाश हो जाती है भक्ति में। इसलिए सब लोग देखे कि कहे कि ये रूप कविराज पतित हो गया है राधा कुंड में ऐसा ही अपराध किया, इसलिए कोड व्याधिग्रस्त हो गया, यहाँ आकर अपने गुरु के चरण में अपराध करके गुरु को छोड़ दिया, तो फिर बंगाल छोड़ के फिर ओडिशा चला गया, ओडिशा में जाकर लेकिन उसकी पाप की कहानी, इसके अपराध की कहानी पूरा सर्व वैष्णव समाज में फैल गया था, सब लोग जानते थे अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने इस जीवन काल में वैष्णव अपराध की मार्जन नहीं किया, इसलिए अंत समय में शरीर को त्याग कर एक बहुत बड़े क्या बना, घोष्ट, एक भूत बना है। फिर दूसरे जो वैष्णव अपराध करते हैं उनको पकड़ता था, भूत के रूप में उनके शरीर में सवार होकर उनको पकड़ता था, इसलिए वैष्णव में समझते हैं जब वैष्णव अपराध कहीं करता तुरंत जाके उसको पकड़ता था, ये कौन, ये जो घोष्ट भूत बन के था एवं पकड़ता था। ये कहानी वर्णन होती है भक्ति रत्नाकर में कि किस प्रकार वैष्णव अपराध कितने जघन्य होता है, इसलिए वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए। यदि भक्ति लता में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पागल हाथी को दूर रखना चाहिए, कौन सा, वैष्णव अपराध, हंती निंदंती द्वेष्टि
न अभिनंदन्ति क्रोध्यन्ति जानती न हर्षम दर्शने पतनानि सम। इन क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव के चरण में अपराध होता है, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। इसलिए आज कक्षा में संक्षेप में केवल जिन जिन उपाय से हम वैष्णव चरण में अपराध करते हैं उसको समझाने के लिए मैं प्रयास किया हूँ। और काल फिर हम आगे, काल अंतिम क्लास है, काल चर्चा करेंगे कैसे हम वैष्णव अपराध से बचकर फिर शुद्ध भक्ति करना है, काल उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके सब जा सकते हैं, प्रसाद तो है ना सबके लिए, प्रसाद है कुछ नहीं?